हेलो दोस्तों, बीबॉम ग्रोज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर जो कि है बजट फ्रेंडली, बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर बेस्ट इन्वर्टर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये इन्वर्टर और क्यों मैं इसको बेस्ट बजट फ्रेंडली मीडियम हैवी इन्वर्टर बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो, ये है एक साइड का इन्वर्टर स्टार्स 1125 12 वोल्ट का इन्वर्टर। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको अनबॉक्सिंग करके इसका फुल स्पेसिफिकेशन, वाट कैपेसिटी वगैरह, प्राइस एंड सब कुछ। तो इधर आप देख सकते हो अनबॉक्सिंग के बाद आपको जो ये इन्वर्टर है कुछ इस तरह का लुक, एक कॉम्पैक्ट लुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसका तो लुक बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाला जो है मॉडल, न्यू मॉडल है अभी का। तो चलिए अब इसका जो क्लोज लुक देख लेते हैं, इसका इंडिकेटर स्विच और पीछे क्या क्या फंक्शन है सब कुछ हम डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों इधर आप इसका सामने जो है लुक थोड़ा सा इस तरह का आपको मिल जाता है। तो इधर लिखा हुआ है एक साइड इन्वर्टर स्टार और यह है प्योर साइन वेव एक इन्वर्टर। और इधर आपको देखने को मिल जाएगा मेन ऑन का इंडिकेटर, यूपीएस ऑन का इंडिकेटर, बैटरी लो का इंडिकेटर, चार्ज, चार्जिंग और चार्ज का इंडिकेटर, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये इंडिकेटर आपको इधर मिल जाएगा। और इसका जो टोटल VA रेटिंग है 12 वोल्ट 1125 VA और ये है इसका ऑन ऑफ का बटन। तो सामने का लुक आप इधर देख ही लिए होंगे और इधर का जो है ऊपर का थोड़ा सा लुक आपको हम इधर दिखा रहे हैं। तो ऊपर एक 3D एक्साइड इन्वर्टर्स का लोगो इधर आपको मिल जाता है और इधर है इस इन्वर्टर का थोड़ा बहुत डिटेल्स और कैपेसिटी, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, वोल्टेज सब कुछ इधर आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। ये जो इन्वर्टर है 1125 VA का है और इसका मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी जो है 900 वाट का है। तो चलिए अब इसका जो पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है इसका पीछे। तो दोस्तों पीछे कुछ इस तरह का आपका जो लुक इधर आप देख सकते हो जो कि सभी एक्साइड का इन्वर्टर का सेम ही टाइप का लुक है। एक्साइड GQP मॉडल का भी थोड़ा बहुत या मैक्सिमम इस टाइप का ही लुक है। तो इधर आपको मिल जाता है बैटरी का टर्मिनल जो कि एक है पॉजिटिव टर्मिनल और है नेगेटिव वायर जो पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। और इधर आपको है इनपुट आउटपुट का सॉकेट मिल जाता है। तो और इधर आपको मिल जाएगा जो कि है मैनुअल और बाईपास का स्विच। तो ये भी फंक्शन आपको इस इन्वर्टर के ऊपर मिल जाता है और प्रेस टू रिस्टार्ट रीसेट बटन भी आपको इधर मिल जाता है। और इधर एक बटन है जो कि आपको नॉर्मल चार्ज और हाई चार्ज में शिफ्ट कर सकती हो। और इधर है आप इस आपका इन्वर्टर को कौन से मोड में चलाने चाहते हो, UPS मोड या फिर नॉर्मल मोड, वो भी स्विच आप इधर दे सकते हो। तो नॉर्मली आपको मैं रिकमेंड करूंगा आपका अगर टू व्हीलर बैटरी है तो आप हाई चार्ज में ही नीचे ये स्विच रखो। और ये जो है अगर आप जब आप कंप्यूटर में या कोई सिस्टम में यूज़ करोगे पावर तो आप UPS मोड में दे सकते हो और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए नॉर्मल में ही इसको रखो। और इधर है एक जो फैन जो कि इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों मैं इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो फिर से एक बार दोहराने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो इन्वर्टर है टोटल 1125 VA का है और इसका जो आउटपुट वाटेज है वो मैक्सिमम है 900 वाट तक। तो 900 वाट तक आप अगर आपका घर का जो लोड है तो ये वाला इन्वर्टर आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला इन्वर्टर बहुत ही हेवी नहीं है पर हेवी कैटेगरी में इसका जो एंट्री आ जाता है। और ये जो है इन्वर्टर आपको मैक्सिमम आउटपुट करंट 6 एम्पियर तक दे सकता है। और इसका जो ट्रांसफार्मर है वो ध्यान में रखिएगा, इसका ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम का है, कॉपर का नहीं है। और जो है ये वाला इन्वर्टर एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। हालांकि अभी जो मार्केट में जितना भी इन्वर्टर है तो उसका 98% इन्वर्टर ही जो है एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर बनाता है। सिर्फ गिने चुने कुछ कंपनी यानी कि एक्साइड और माइक्रोटेक पहले बनाता था, तो अभी वो जो मॉडल है डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो सभी का ही तकरीबन जो ट्रांसफार्मर है वो एल्यूमिनियम का मिल जाता है।
और इसमें मैनुअल और बाईपास का स्विच भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही काम में आता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस इन्वर्टर का वारंटी के ऊपर। तो इस इन्वर्टर में आपका जो वारंटी मिल जाता है टोटल 42 मंथ का होम सर्विस वारंटी, यानी कि आपका इन्वर्टर इस 42 मंथ के अंदर जितना भी बार ख़राब हो, एक्साइड का सर्विस पर्सन आके आपके घर में भी घर में ही जो सर्विस आपको देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये पड़ेगा कि एक्साइड का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल करके आपको जो है सर्विस बुक करना है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अभी जो ये वाला नया जो सभी मॉडल है सब में जो है वारंटी कार्ड नहीं आ रहा है, तो आपको जो है आपका जो डीलर है जहाँ से आप ये खरीदोगे वहाँ से जो है विथ बारकोड जो है बिल लेना है और बिल को संभाल के रखना है। अगर आप हो सके तो इसका जो वारंटी रजिस्टर है ऑनलाइन वो भी आप कर सकते हो पेपरलेस वारंटी क्लेम करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो मैं हर एक वीडियो में हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बोलता हूँ कि जो प्राइस जो है डिफरेंस प्लेस में जो प्राइस वेरी करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ और होता है, ऑफर के दौरान कुछ और होता है और क्राइसिस के वक्त भी कुछ और ही होता है। तो अभी जो मेरे इधर प्राइस जो इसका है वो आपको 5000 से 5500 के अंदर मिल जाएगा। अगर इसको आप 5500 या फिर 6500 तक भी मिल जाता है तो डेफिनेटली इस इन्वर्टर को आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है और लुक और जो कम्पैक्ट साइज बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और या ध्यान से रखिएगा कि ये वाला जो मॉडल है ये नया वाला मॉडल है, इसका एक पुराना मॉडल भी मार्केट में अभी है जो कि मॉडल है 1050। प्राइस के जो बात करूँ दोनों का ही सेम ही प्राइस है, आपको ये वाला मॉडल अभी जो उससे 100-200 रुपए कम ही मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के या फिर इस इन्वर्टर को रिलेटेड कोई भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन या सवाल या सुझाव है तो डेफिनेटली आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हो, हम जो ट्राई करेंगे आप सभी का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमारे चैनल में चल रहा है टोटल दो गिव अवे, तो दोनों गिव अवे का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाइए और वीडियो को देख के जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरे देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।